हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फलौदी की पहचान अब सोलर सिटी के नाम से। मुख्यमंत्री 37 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास। जोधपुर के मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने कहा कि राज्य सरकार ने सौर एवं पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जोधपुर जिले में ऐतिहासिक काम किया है। उन्होंने कहा कि जोधपुर जिले के जिस फलौदी शहर को अब तक साल सिटी के नाम से पहचाना जाता था, उसे अब भड़ला में सोलर पार्क की स्थापना के बाद सोलर सिटी के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री राजेश शुक्रवार को फलौदी में करीब 37 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जो तरक्की की है वह एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि भड़ला में सोलर पार्क स्थापित किए जाने के बाद इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है, एक ओर लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं तो दूसरी ओर पूरे प्रदेश को इसका फायदा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। निजी और सरकारी क्षेत्रों में करीब 17 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। वहीं स्वरोजगार के लिए युवाओं को मुद्रा योजना में बड़ी संख्या में लोन स्वीकृत किए गए हैं। राजे ने कहा कि किसानों के हित में पहली बार फसली ऋण माफी का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और किसानों को 50,000 रुपए तक की फसली ऋण माफ कर राहत दी गई। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों के फसली ऋण लोन वाले किसानों की दुर्घटना बीमा क्लेम राशि को 50,000 से 10 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिली है। श्रीमती राजे ने इस अवसर पर मारवाड़ के वीर और हाइफा के हीरो, उन्होंने कहा कि मारवाड़ की वीर भूमि पर जन्म लेने वाले दलपत सिंह ने पहले विश्व युद्ध के दौरान इजराइल में अपनी बहादुरी से हाइफा शहर की रक्षा की थी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।